हेलो एवरी वन नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आप सभी के लिए लेकर आए हिंदी से फर्स्ट लेसन जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी उपयोगी है इसका पार्ट वन वीडियो अगर इससे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला होगा तो मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा तो अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो को अपडेट आप सभी को मिलती रहे तो आज से इसका सीरीज चालू है तो सभी चैप्टरों को मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें देखा जाएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया तो वीडियो कौन सा तो तक देखिए आप वीडियो कौन तो तक नहीं देखते हैं वीडियो कौन से देखिए अंत में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका आंसर आप खुद से करना चाहते हैं तो जब तक मैं ऑप्शन बोलूंगा आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि रामविलास शर्मा बी में दिया है भीमराव अम्बेडकर और सी में दिया है गुणाकर मूल और डी में दिया है महात्मा गांधी इसका राइट right आंसर क्या होगा आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है तो भीमराव अंबेडकर सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया तो सभी क्वेश्चन आप एक एक कर देखते रहे वीडियो को थोड़ा सा भी एस्किप मत कीजिएगा। इसका और तो सी में दिया अठारह अप्रैल उन्नीस सौ अठारह को और डी में दिया चौदह जनवरी उन्नीस सौ उन्नीस को बी नंबर याद रखना है चौदह अप्रैल अठारह सौ को भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि उत्तर प्रदेश में बी में दिया है मध्य प्रदेश में और सी में दिया है हिमाचल प्रदेश में और डी में दिया है बिहार में तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कहा हुआ था तो मध्य प्रदेश में हुआ था फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका ए नंबर ऑप्शन दिया कि जनवरी उन्नीस में बी में दिया है दिसंबर उन्नीस में और सी में दिया है फरवरी उन्नीस में और डी में दिया है मार्च उन्नीस सॉरी अठारह में तो इसका राइट आंसर क्या होगा था आप सभी आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है दिसंबर उन्नीस में भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है की जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है तो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन था तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका ए नंबर देखिए अस्वाभाविक बी में दिया है प्राकृतिक और सी में दिया स्वाभाविक और डी में दिया संवैधानिक राइट आंसर क्या होगा था आप सभी को

पृथक पेशा है फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विडम्बना का अर्थ क्या है तो इस कहानी में पूछ रहा है कि विडंबना का अर्थ क्या है तो आपके पास चार विकल्प दिया गया ए में दिया है कि अपेक्षा बी में दिया है उपहास और सी में दिया ऑलम्बर डी में दिया आडम्बर इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है विडम्बना का अर्थ उपहास है फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याप्त है तो सच्चे लोकतंत्र तो का क्या पर्याप्त है तो आपके पास चार विकल्प दिया गया ए में दिया है जाति प्रथा अथा में दिया है सुशासन और सी में दिया है भाईचारा और डी में दिया है कानून व्यवस्था तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है सच्चे लोकतंत्र तो के लिए क्या प्राप्त है तो भाईचारा पर्याप्त है फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि उन्नीस में बी में दिया उन्नीस में और सी में दिया अठारह में और डी में दिया अठारह में तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है उन्नीस में, में लाहौर का वार्षिक सम्मेलन हुआ था सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया तो वीडियो को अंत तक देखे वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे तो रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे तो आपके पास चार विकल्प दिया गया है कि महात्मा गांधी बी में दिया है ज्योतिबा फुले और सी में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले और डी में दिया है विवेकानंद तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक के प्रेरक कौन व्यक्ति थे तो इसका बी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद रखना है ज्योतिबा फुले थे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ और कितने विभाजन के रूप में लिए हुए हैं तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि श्रमिक विभाजन बी में दिया है दलित विभाजन और सी में दिया है जनों का विभाजन और डी में दिया है कुशल व्यक्ति का विभाजन तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है कुशल व्यक्ति का विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा और विभाजन के साथ साथ लिया गया है फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है तो लेखक किन को कहा जाता है तो आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है है कि इस पाठ के लेखक कौन है? अभी मैंने आप सभी से पहले ही क्वेश्चन में बताया था तो इसका ए में दिया है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं बी में दिया है जातिवाद के पोषकों की नगण्य है और सी में दिया है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है और डी में दिया है जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या होगा था आप सभी को ई नंबर ऑप्शन याद रखना है लेखक के दृष्टि में विनम्बना की बात क्या है तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं थी यहाँ पर लेखक की दृष्टि में यह बात कहा जा रहा है कि यहाँ पर जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं तो लेखक बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण किसे मानते हैं तो आप सभी के पास चार विकल्प दिया गया है ए में दिया है कि अशिक्षा को बी में दिया है जनसंख्या को और सी में दिया है जाति प्रथा को और डी में दिया है उद्योग धंधों की कमी को तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है लेखक के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को माना जाता है फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था तो डॉक्टर तो अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका ए में ऑप्शन दिया है कि उज्जवल भारत बी में दिया है उड़ता भारत और सी में दिया है बहिष्कृत भारत और डी में दिया है पुरस्कृत भारत है. इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है तो बहिष्कृत भारत का पत्रिका का संपादन किया है फिर इस फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका ए में ऑप्शन दिया है कि महात्मा गांधी को बी में दिया भीमराव अंबेडकर को और सी में दिया जवाहरलाल नेहरू को और डी में दिया सुभाष चंद्र बोस को तो इसका राइट आंसर क्या होगा था आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता मानते हैं फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था तो भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या था तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि रामदेव सकपाल बी में दिया है रामजी सकपाल और सी में दिया है राम कि सुन सकपाल और डी में दिया राधे राम सकपाल तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है राम जी सकपाल थे भीमराव अंबेडकर के पिताजी फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की तो उपाधि कब प्राप्त की थी एक ऑप्शन दिया है कि उन्नीस में बी में दिया है कि उन्नीस सौ अठारह में और सी में दिया उन्नीस सौ सोलह ईस्वी में और डी में दिया उन्नीस सौ चौदह ईस्वी में आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है उन्नीस सौ सो सोलह ईस्वी भी में भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है तो आधुनिक सभ्य समाज में सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है आपके पास चार विकल्प दिया गया है ए में दिया है कि जाति प्रथा बी में दिया है कार्य कुशलता और सी में दिया वर्ण विभाजन और डी में दिया है श्रम विभाजन इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को माना गया है आवश्यक इसका डी नंबर ऑप्शन याद रखना है फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेखक द्वारा कहा जा रहा है कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है तो जाति प्रथा भारत में प्रमुख कारण क्यों बनी हुई है के पास चार विकल्प दिया गया है इसका राइट आंसर क्या होगा तो आपके पास ए में दिया है कि उत्पीड़न बी में दिया है बेरोजगारी और सी में दिया है अमीरी और डी में दिया है गरीबी थी इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है जाति प्रथा भारत में एक प्रमुख प्रमुख कारण किसके कारण बनी हुई है तो बेरोजगारी के कारण बनी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गध के कौन सी विधा है तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये पाठ का नाम है आप सभी को पता होना चाहिए गध के कौन सी विधा है तो ए में दिया है कि कहानी बी में दिया निबंध और सी में दिया शब्द चित्त और डी में दिया है डायरी तो इसका राइट आंसर क्या होगा था आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है जाति प्रथा और श्रम विभाजन गध की कौन सी विधा है तो निबंध है नेक्स्ट तो क्वेश्चन तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की थी भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है तो आपके पास चार विकल्प दिया गया ए में दिया बहादुर बी में दिया है नाखून के बढ़ते और सी में दिया है जाति प्रथा और श्रम विभाजन और डी में दिया है कि भारत से हम क्या सीखे तो ये कौन सी रचना किए हैं तो आपके पास चार विकल्प दिया है इसका जो भी आंसर सही होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है तो आप सभी को ट्वेंटी क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप खुद से हल कर सकते थे ये भी बता सकते हैं अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आई होप की आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे तभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर करता था दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलते मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम